यानी कि सोमवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा है? तो बिकवाली तो कैश स्पेस में हाथ लगी है, FIIs की तरफ से ऑलमोस्ट 1900 करोड़ के आसपास का वो फिगर निकल कर आया है, लेकिन उसके सामने हमने देखा है घरेलू संस्थागत निवेशकों ने थोड़ा सा कमान संभालने की कोशिश की, 1081 करोड़ के आसपास की खरीद वहां पर निकल कर आई है। तो जिस तरह के संकेत अभी हम देख रहे हैं ट्यूसडे मॉर्निंग इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे हैं, उन सब के दम पर हमारे मार्केट्स क्या रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे या अपनी चाल चलेंगे, इस सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, जिस तरह का प्रदर्शन हमारे मार्केट्स में कल दिखा और जैसा प्रदर्शन डाउ का रहा है, सर इन सब के मद्देनजर आज हमें क्या रणनीति में बदलाव करना है? निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करे सर? गुड मॉर्निंग, रणनीति में थोड़ा सा बदलाव करना है, वो बदलाव ये है कि लाल निशान में खुलने के लिए तैयार है गिफ्ट निफ्टी और थोड़ा कमजोरी के संकेत दे रहा है और कमजोर शुरुआत पर हमें तुरंत ही खरीदारी करनी है और आज अगर जितना नीचे खुले उतना जल्दी और उतना ज्यादा खरीदने का आपका ध्यान होना चाहिए। और एक चीज मैं बताऊं आपको कि 100 पॉइंट की रेंज है, आपको ले रहा रेंज में थोड़ी सी ज्यादा ले रहा हूँ, लेकिन इसलिए दे रहा हूँ कि 100 पॉइंट की रेंज में मल्टीपल सपोर्ट और बार बार लगातार खरीदारी आपको नजर आ रही है, तो इसलिए इस रेंज में किसी भी जगह जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे वहां पर खरीदारी कीजिए। और वो रेंज है 19435 से 19535 की, दो तीन टुकड़ों में खरीद सकते हैं चाहे तो, और लोग 19535 के आसपास से ही शुरुआत कर सकते हैं। तो जितना नीचे खुले हैं लाल निशान में दिखे आपको खरीदारी का मौका बनेगा, बायोडिप्स की रणनीति आज रखनी चाहिए और पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से बाजार वापस से रिकवर करने की और अच्छा बढ़ने की संकेत भी दे रहा है। अब क्यों ऐसा लग रहा है? एक तरीके की ग्लोबल सपोर्ट बहुत ही बढ़िया है, 400 पॉइंट का उछाल डाउन में किसी भी लिहाज से कम नहीं है और कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। दूसरा, हमारे अपने बाजार भी पहले से थोड़े से बेहतर होते हुए निकले हैं, तो ये दूसरा संकेत है। तीसरी चीज है कि FIIs की तरफ से कैश मार्केट में बिकवाली का आंकड़ा जरूर आपको दिख रहा होगा 1900 करोड़ का, लेकिन सामने 1400 करोड़ के आसपास की वायदा कारोबार में खरीदारी भी की, तो उतने बुरे नहीं और लोकल फंड में भी 1000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी की है, तो ओवरऑल फ्लोज के लिहाज से भी हम ठीक है। तो मुझे लगता है कि खरीदारी का मौका बन सकता है। ऊपर स्तरों पर जो लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है 1950 से 1750 की रेंज है, जहाँ पर निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है, वो हायर लेवल से जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 44525 44725 के 200 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, और ऊपरी स्तरों पर 45175 ये हल्की फुल्की रुकावट की जगह है जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए बायोडिप्स की स्ट्रेटेजी रखें और अच्छे लेवल पर ऊपर में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहे और वापस जो नीचे में डिप्स मिले उसमें खरीदारी।